तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं की हो सब्सक्राइब तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग स्किप नहीं करना है थोड़ा सा भी। अगर स्किप करते हो तो थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप लोग थ्री फिंगर में नहीं खेल पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप लोग सब सपोर्ट नहीं दिखाते हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना थोड़ा सा भी। तो अपने दो चार बंदे के साथ शेयर कर देना फ्री फायर प्लेयर के साथ। अगर करते हो तो आप लोग को दिल से धन्यवाद, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ गाइस कर दो, क्योंकि आप लोग का भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और उस सपोर्ट नहीं मिलता। तो बिना किसी मतलब इतना सारा बात नहीं करते हुए हम लोग बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो आने वाला आप लोग का कस्टम एचओडी, क्योंकि आप लोग थ्री फिंगर में बहुत सारे कस्टम एचओडी देखते हो फ्री फायर में। मतलब जैसे कि आप लोग गए किसी का भी वीडियो देखे, उसका कस्टम एचओडी जैसा आप लोग वैसे को वैसे रख लेते हो। बट आप लोग को मैं अपने से बनाना मतलब अपने से कस्टम एचओडी बना के दिखाने वाला हूँ गाइस, समझ सकते हो गाइस। उससे ये होगा कि आप लोग को फ़ायदा। अगर आप लोग देखो गाइस, आप लोग को क्या होता है, आप लोग पहला कस्टम एचओडी देखते हो उस बंदे का, तो और वो मतलब एक मूवमेंट स्पीड पूरा भद्दा हो जाता है। जैसे कि थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होता तो आप लोग क्या करते हो, कस्टम एचओडी बंद कर देते हो, अपना कस्टम एचओडी पे आ जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक से एक महीना लगभग ट्रेनिंग मोड में खेलना पड़ेगा। एक महीना, समझ सकते हो गाइस, एक मंथ तक खेलोगे तो ही आप प्रो प्लेयर बन पाओगे। अगर आप लोग एक मंथ तक ट्रेनिंग खेलते हो उस कस्टम एचओडी पे थ्री फिंगर पे, तो आप लोग समझ लो आप लोग एम ए टेन राइस्टार जैसा खेल सकते हो, अगर इस वीडियो मतलब इतना चीज़ करते हो आप। तो चलिए हम पहला जो कस्टम एचओडी पे चलते हैं थ्री फिंगर कस्टम एचओडी पे। तो पहला कस्टम एचओडी होने वाला एचओडी दिख रहा है आप लोग को, ये कस्टम एचओडी एम ए टेन का है गाइस। आप लोग समझ सकते हो एम ए टेन का कस्टम एचओडी पे आप लोग खेलोगे तो आप लोग प्रो बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही प्रो बनोगे, नहीं तो आप नूब का नूब ही रहोगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो एंड तक नहीं देखते और एक तो कस्टम एचओडी देखे जाके अपना कस्टम एचओडी बना दिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना, पूरा हम चार पाँच कस्टम एचओडी देने वाले आप लोगों के लिए। अगर इस कस्टम एचओडी से नहीं होता तो अगला कस्टम एचओडी से आप अच्छा खेल पाओगे। ये नहीं समझना एम ए टेन का कस्टम एचओडी तो उसमें अच्छा खेल लूँगा मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को दूसरा कस्टम एचओडी मैं दिखाने वाला हूँ, वो भी कस्टम एचओडी आप लोग रख सकते हो। तो उसके बाद एंड में मैं कुछ और बताने वाला, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दूसरा कस्टम एचओडी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग को शो कर रहा है स्क्रीन पे दूसरा कस्टम एचओडी थ्री फिंगर के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ये भी कस्टम एचओडी बहुत ही अच्छा कस्टम एचओडी है, आप इस पे अच्छे से कस्टम मतलब खेल सकते हो। अगर आप एक से दो महीना प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई सा भी कस्टम एचओडी पे थ्री फिंगर कस्टम एचओडी पे अच्छा खेल सकते हो। अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आप कोई भी या सिंपल टू फिंगर वाला कस्टम एचओडी भी आप नहीं खेल पाओगे। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आप लोग अगर दो फिंगर पे खेलोगे ना कस्टम एचओडी बना के, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग नुबड़ा जैसा खेलोगे। मूवमेंट स्पीड आपका कैसा रहेगा पता है, जैसा बोट का मूवमेंट स्पीड नहीं रहता, मारने के बाद तुरंत भाग जाता, वैसा ही रहेगा। तो इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि ये मैं जो बात बता रहा हूँ उससे आप लोग का मतलब गेम प्ले सुधर सकता है, अगर आप लोग ऐसा बात मेरा फॉलो करते हो बात तब। तो चलिए हम तीसरा कस्टम एचओडी दिखाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तीसरा कस्टम एचओडी इससे भी ओपी होने वाला है, तो आप लोग उसको भी रख सकते हो, ट्राई करके देखना। तीनों कस्टम एचओडी ट्राई करके देखना, दो मतलब एक सप्ताह ये कस्टम एचओडी से खेलना, दूसरा सप्ताह ये कस्टम एचओडी, मतलब ऐसे करके खेलोगे ना तो आप लोग का मतलब ऑल कस्टम एचओडी में आप लोग भयंकर खेल सकते हो। तो दूसरा तीसरा कस्टम एचओडी आप लोग को दिखाता हूँ मैं अपना तीसरा कस्टम एचओडी। तो गाइस, ये हो गया आप लोगों के लिए फ्री का एक कस्टम एचओडी जो कि फोर फिंगर के लिए है। अगर आप लोग फोर फिंगर में भी शिफ्ट होना चाहते हो तो ये कस्टम एचओडी यूज कर सकते हो, जो कि फोर फिंगर के लिए बेस्ट कस्टम एचओडी है अभी का, क्योंकि ये मैं डाउनलोड करके मतलब ये GW करंट का डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इससे आप लोग को आपको लगेगा ये मैं सब कस्टम एचओडी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कस्टम एचओडी मैं बना के दिखा, ये आपको डाउनलोड करके दिखाया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले मैं और टिप्स एंड ट्रिक बता देता हूँ थ्री फिंगर से कुछ यूज जो मतलब यूजफुल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो थ्री फिंगर में क्या होता है गाइस, जैसे आप टू फिंगर खेलते हो, टू फिंगर में आपका सीटअप ग्लोबल सही से नहीं लगेगा, अगर थ्री फिंगर में खेलते हो तो आप लोग का मतलब सीटअप ग्लोबल भी लग जाएगा, उसके बाद गन स्विच भी हो जाएगा। तो ये मतलब कुछ यूज होता है थ्री फिंगर का। अगर आप थ्री फिंगर में खेलते हो तो आपका मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होता है, अगर टू फिंगर वाला का भी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होता है गाइस, उससे कुछ नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।